आज हम लोग कंपेरिजन ऑफ टोपोलॉजीज पे बात करेंगे कि हम कैसे तय करें कि दो टोपोलॉजी कंपेरेबल हैं या नहीं है, और हैं तो फिर जिसको बड़ी टोपोलॉजी और जिसको छोटे कंपेयर करेंगे तो छोटा बड़ा आएगा। तो फिर हेडिंग डालते हैं पहले कंपेरिजन ऑफ टोपोलॉजीज। तो कंपैरिजन करेंगे तो दो शब्दों पे पहले ध्यान दे दीजिए। एक होगी स्मॉलर, जब कंपेयर ही करेंगे तो ऑब्वियस है उसके हिसाब से एक होगी लार्जर। लेकिन ये अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल है, इसीलिए लिख रहा हूं। कई लोग इसको स्मॉलर को वीकर भी बोलते हैं, वीक टोपोलॉजी या वीकर है, कमजोर है। तो ऑब्वियस है कि बड़ी वाली टोपोलॉजी को कई किताबों में स्ट्रॉन्गर लिखा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कई किताबों ने इसको कोर्सर लिखा होगा, COARSER। कोर्सर, कोर्स माने होता मोटा अनाज जैसे होता है ना, जो गरीब आदमी खाता है। हमारा समाज इस तरह से मानता है चीजों को, खाता था, अब तो वही सारा बाकी लोग भी खा रहे हैं। तो वो सेंस में नाम दिया गया होगा कोर्सर और फाइनर। और ये ताकत से ताकतवर, बड़े से सेंस हुआ फाइनर। तो प्लीज डिफरेंट बुक्स हैं, किसी ने फाइनर बोला होगा, किसी ने स्ट्रॉन्गर, किसी ने लार्जर, और उधर किसी ने स्मॉलर, किसी ने वीकर, किसी ने कोर्सर। तो मीनिंग समझ लीजिएगा, कोर्सर और स्मॉलर या वीकर एक ही चीज। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो बच्चों सेट एक ही लेंगे, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड इसी सेट में दो टोपोलॉजीज हैं, टाउ वन एंड टाउ टू आर टू टोपोलॉजीज। ऑन एक्स ठीक हो गया। एक ही सेट पर हमने दो टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि हो सकता है। तो अब शब्दों पर ध्यान दीजिए, टाउ वन एंड टाउ टू आर कंपेरेबल इफ आइदर टाउ वन इज अ सबसेट ऑफ टाउ टू और टाउ टू इज अ सबसेट ऑफ टाउ वन। ये चीज ध्यान रखिएगा, दो टोपोलॉजीज ओवर द सेम सेट कंपेरेबल कब होती है? या तो हरे टाउ वन ओपन सेट, टाउ टू ओपन सेट हो जाए, या फिर हरे टाउ टू ओपन सेट, टाउ वन ओपन सेट। अगर एक भी ऐसा मिला कि अगर ऐसा हो गया कि टाउ वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ टाउ टू, या टाउ टू इज नॉट अ सबसेट ऑफ टाउ वन, देन टोपोलॉजीज आर नॉन कंपेरेबल। टोपोलॉजी आर नॉन कंपेरेबल। ठीक हो गया। अब कंपेरेबल पे बात फिर करते हैं, नॉन कंपेरेबल पे भी आएगा। अगर कभी ऐसा हो गया तो ये वाली टोपोलॉजी इधर को जाएगी और ये वाले को इधर का नाम दे जाएगा। जो बड़े बड़ी टोपोलॉजी है उसको फाइनर, स्ट्रॉन्गर या लार्जर कहा जाएगा।
और टाउ वन प्रो ऑब्वियस है, हमें लड़ भी रहा होगा कि यार वो छोटा है तो उसे वीटर स्मॉलर या कोर्सर कहा जाए। तो बच्चों दो टोपोलॉजीज कब कंपेरेबल होती हैं और कब नहीं होती हैं, पहले तो ये समझना है। और दोनों टोपोलॉजी ओवर द सेम सेट होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। और फिर किसको स्मॉलर और किसको लार्जर माना जाए, क्या मैं यहां तक समझा पाया आप लोगों को? यस हाँ, सर किसी भी सेट में बच्चों सबसे छोटी टोपोलॉजी कौन सी हो सकती है? सर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हाँ, वेरी गुड। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है, या वीकेस्ट कह सकते हो, या कोर्सेस्ट कह सकते हो। और किसी भी सेट में जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसे क्या बोलना चाहिए? सर फाइनल फाइनेस्ट टोपोलॉजी। इससे बड़ी या इससे स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी नहीं हो सकती। बच्चों ये दो एक्सट्रीम चीजें हैं, हमारी जो जनरली व्यावहारिक बातें होती हैं वो इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में, ये तो बाउंड्री जैसी हो गई। ये ऐसा हो गया जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय एक्सट्रीम 0 और 1 वाले केस होते। प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 100% डेफिनेट केस। हम इन दोनों के बीच में बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से टोपोलॉजी पढ़ते समय हम इन दोनों को ज्यादा महत्व तो नहीं देते, इनके बजाय जो बाकी टोपोलॉजीज हैं जो इन दोनों के बीच में आ रही हैं हमें उन पे ज्यादा फोकस करना है, उनके बारे में ज्यादा सीखना है। टोपोलॉजी पे मैं किताबें आपको बता रहा था, पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था। एक किताब मुझे कल याद आई, मैं कल वो कॉलेज में देख रहा था कि यार अब आगे को ये कई चीजें पढ़ानी है तो किताबें ढूंढूं अपनी अलमारी में, तो टेडी जोशी सर की किताब मिली मुझे। और ये एक अच्छी किताब है बच्चों, हो सकता है मैंने कभी बताया भी हो। टेडी जोशी आईआईटी बॉम्बे के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और जो 12वीं के बाद हमारे बच्चे परीक्षा देते हैं ना आईआईटी जेईई के लिए, आपने नाम सुना होगा, 12वीं के बाद 11th 12th के बच्चे जो देते हैं 12th के बाद इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी जेईई परीक्षा, तो भारत में एक लंबे समय तक आईआईटी की परीक्षाएं जो कमेटी करवाती रही उसके चेयरमैन केडी जोशी सर भी रहे बहुत लंबे समय तक। और उन्हें समझ में आया कि जो कोचिंग और जो बाकी चीजें चल रही हैं, जो किताबें चल रही हैं फटाफट बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनमें ना थॉट प्रोसेस कहीं नहीं है, उन पे बातचीत ही नहीं होती, बस क्वेश्चन सॉल्यूशन, उससे थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता। बच्चों जो असली चीज है वो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं होगी, थिंकिंग डेवलप ही नहीं होगी, कैसे सोचें, तो नुकसान बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आगे को वो बच्चा जो पढ़ा होगा वो तो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा उस पर सोच भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए सर ने एक किताब भी लिखी थी, और तब लिखी जब वो चेयरमैन से हट गए, आईआईटी की परीक्षा से अलग हो गए जब, तब। काफी अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है, आईआईटी एजुकेटिव मैथमेटिक्स की किताब है, आईआईटी की प्रवेश परीक्षा के लिए। कम ही लोग पढ़ते हैं इसको, आप लोग जरूरी नहीं है इसको खरीदें, आप टेडी जोशी सर डालिएगा गूगल पे, इनका होम पेज खुलेगा वहां मिल जाएंगे। वो इतना शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को डिटेल में एक एक बात। लेकिन आज की जनरेशन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप लोगों में भी है, कि सबको मैगी की तरह फटाफट चाहिए चीजें, जो विस्तार से समझनी होती हैं वो लंबे समय में काम आती हैं बेटा, वो उसके लिए भी याद रखने का बोझ नहीं होता, चीजें समझ में आती हैं, इंजॉयबल हो जाती हैं। सर ने बहुत सालों तक वो लिखी हैं जो आईआईटी के हर साल पेपर होता था उसका सॉल्यूशन, और मैंने देखा ऐसा सॉल्यूशन मार्केट में कहीं नहीं मिलता,
इतना बेहतरीन, वो बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कमियां हैं। अगर एग्जामिनर ने ये सवाल ऐसे बनाया होता तो और अच्छा होता, फिर उसका आंसर ये भी सोचा जा सकता। तो दैट इज कॉल्ड थॉट प्रोसेस। केडी जोशी सर की ही एक किताब टोपोलॉजी भी है, और अगर आप पूरी किताब ना भी पढ़ें, मेरे ख्याल से पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, बस पहला चैप्टर जरूर पढ़िएगा, मोटिवेशन फॉर टोपोलॉजी। आप रियलाइज करेंगे कि इतनी अच्छी किताब शायद ही किसी ने लिखी हो इंडिया में। ये अप्रिशिएट करने लायक चैप्टर है सर का। बाकी किताबें भी बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे बहुत पसंद आई। तो चलिए ठहर, वो कल मुझे किताब निकली अलमारी में तो तब याद आया रहा। मोटिवेशन फॉर टोपोलॉजी का मतलब, आखिर एनालिसिस में क्या कमी रही, कैलकुलस में क्या कमी रही कि आपको टोपोलॉजी पे जाना पड़ा, कुछ तो कमी रही होगी। जैसे मैंने एक दिन बोला था कि ज्योमेट्री में क्या कमी थी कि कैलकुलस में जाना पड़ा, कैलकुलस की भी कमियां होंगी इसीलिए आपको टोपोलॉजी में आना पड़ा। वो बहुत शानदार चैप्टर है, पढ़िए, बाकी आपकी इच्छा है। तो खैर, पहले पेज का मेरा समझ में आ गया होगा कि दो टोपोलॉजीज टॉप कंपेरेबल होती हैं, टॉप कंपेरेबल नहीं होती हैं। तो अब इस पे एक आध छोटा सवाल करते हैं। यहां तक किसी को कुछ कहना या पूछना है तो प्लीज बोलिए, किसी को नहीं। चलिए ठीक है, फिर तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं टोपोलॉजिस्ट की वीकनेस या स्ट्रॉन्गनेस को। हम लोग कल वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले छोटे एग्जाम्पल से कंसेप्ट को समझिए। एक्स ए बी सी है। अच्छा चलिए, मैं तरह तरह के छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। आप दो टोपोलॉजी बताइए जो कंपेरेबल, वो डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बताओ यार, जो कंपेरेबल हो बच्चों। हेलो, मैं क्लास में अकेला हूं क्या? सर 5x, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और अच्छा, ए इतना ही बी। ले लें तो ये टोपोलॉजी हुई या नहीं, पहली वाली 5x और ए। यस सर, टोपोलॉजी। अच्छा चलो, आप क्या कह रहे थे? ए ले लेते हैं, बी सर ले लेते बी हैं, और ए बी। ए बी ले लेते हैं। ये भी टोपोलॉजी है, हमने पढ़ा है। तो यहां पर टाउ 1 में जो कुछ है वो टाउ 2 में है या नहीं? यस सर, तो टाउ 1 को क्या बोलेंगे, सर कोर्सर कोर्सर या वीकर फाइनल या स्मॉलर, और इसको फाइनर। ठीक हो, तो इसका मतलब ऐसे तो कई सारे केस बनाए जा सकते हैं। अब आपको सोचना है, मैं सारे केस पे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, मैं समझा दे रहा हूं कि हाँ कंपेरेबल टोपोलॉजीज क्या होती। बाकी बच्चों को भी समझ में आया ये? यस सर, यस सर। अच्छा प्लीज, अब आप कोई और स्टूडेंट बताइए जो अभी तक जिन्होंने मुंह नहीं खोला, वो बताए कि कोई दो टोपोलॉजी इसी सेट के ऊपर जो नॉन कंपेरेबल। नॉन कंपेरेबल टोपोलॉजी, बता सकते हैं आप लोग? चलिए टाउ 1 में यही ले लेता हूं, 8 को तो वही रखो, क्या हर्ज है। आप कोई टाउ 3 बताओ यार, 5x तो होंगे, कुछ और बताओ। सर बी लेते हैं, सिंगलटन बी।
हाँ सिंगलटन भी ले सकते हैं। क्या हो गया? बढ़िया। अब आप गौर करिए, दोनों टोपोलॉजीज हैं एक्स के ऊपर, लेकिन नाइदर टाउ वन इज अ सबसेट ऑफ टाउ टू नॉर टाउ टू इज अ सबसेट ऑफ टाउ वन। या तो नाइदर नॉर लिखिए या सेट थ्योरी को काट दीजिए सबसेट ऑफ, फिर से लाइन से एक ही बात है। तो ये टोपोलॉजी कंपेरेबल नहीं है। तो क्या मैं समझा पाया सभी लोगों को? यस सर। तो बच्चों अब एक बढ़िया रिजल्ट पे बातचीत करते हैं। मुझे लगता है ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन करते हैं अब एक छोटा सा। क्या हमने यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी और अपर लिमिट टोपोलॉजी पढ़ी है? यस सर। तो फिर अब उस पर बातचीत कर लेते हैं कि इनमें कौन फाइनर है और कौन कोर्सर। कंसिडर, ये अच्छा सवाल है जो नॉर्मली बातचीत में कहीं भी पूछ लिया जाता है। कंसिडर द यूजुअल टोपोलॉजी यू, हाँ यूजुअल टोपोलॉजी को चलो मैं यू से दिखाता हूं, एंड द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर भी हो सकता था, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, इसको एस मान लेते हैं, एस फॉर आर, सो दैट एस इज फाइनर देन यू, ऐसा प्रूफ करना। तो करना क्या हुआ बच्चों, मतलब प्रूफ क्या करना हुआ? वी हैव टू सर शो दैट यूजुअल टोपोलॉजी एस लोअर लिमिट टोपोलॉजी में दैट करते हैं। एवरी यू ओपन सेट, यू में जो ओपन सेट है, यू ओपन सेट इज ऑल्सो एस ओपन सेट। आप ऊपर देखो तो ऐसा लिखा है या नहीं? हमने जो एग्जाम्पल समझाए हैं, ऊपर लेफ्ट में देखो बच्चों, टाउ वन जो था उसके मुकाबले टाउ टू फाइनर है। इसका मतलब एवरी टाउ वन ओपन सेट इज ऑल्सो टाउ टू ओपन सेट, सही है या नहीं? यस सर। यस सर। जो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है, आप इस पे गौर करिए ना, यहां पर जो मैं लेफ्ट में ऊपर है, एवरी टाउ वन ओपन सेट इज ऑल्सो टाउ टू ओपन सेट। अगर ऐसा हो रहा है तो टाउ वन स्मॉलर होगा और टाउ टू लार्जर होगा टोपोलॉजी। तो हमने यहां पर लिखा है और मैंने तो आंसर खुद ही दे रखा है कि सो दैट एस इज फाइनर देन यू, तो यू इज कोर्सर, तो यू इज स्मॉलर, एस इज फाइनर, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ज्यादा बड़ी है। तो इसका मतलब हर एक यू ओपन सेट जो होगा वो एस ओपन सेट भी होगी। क्या आप कोई भी ओपन सेट लें, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? पहले ये बताओ, थोड़ा दिमाग में लगाओ। यू ओपन सेट दोनों तरफ ओपन इंटरवल थे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए ना आप, तो यू ओपन सेट में क्या होता था? मान लो एक पॉइंट पी ले लिया, तो पी को कंटेन करने वाला क्या मिलता था? क्यों? सर अरे भाई, लेट जी बी यू ओपन सेट,
यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट है, तो रियल एनालिसिस वाला सोचो, जी ओपन सेट है और इसमें कोई एलिमेंट मान लेते हैं पी बिलोंग्स टू जी, तो क्या होता था, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जो पी टू कंटेन करे हमेशा मिलता था जो यू जी के अंदर हो, ऐसा होता था या नहीं होता था ये बताओ यार पहले। यस सर, यस सर, अच्छा अब गौर करिए प्लीज, हमें ये दिखाना है कि जो यहां ओपन है आपने कहा पी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, दिस इम्प्लाइज पी कहीं पर होगा, मैं यहां पर डायग्राम बना दे रहा हूं, ये ए है ये बी है, ये होल है और बीच में कहीं पी है, तो बच्चों फिर पी से लेटर बी तक, पी से लेटर बी तक जो राइट हाफ ओपन है वो ऐसा आएगा या नहीं आएगा, ये ठीक है, पी से लेटर बी तक जो आप ले रहे थे ये वाला, ये ए बी के अंदर कंटेंड है या नहीं, यस सर, अच्छा मैं अब यहां पर जगह नहीं है तो सबसे राइट में ऊपर कर दे रहा हूं, आपको बातें तो समझ नहीं है, तो इससे क्या समझ में आया कि अगर मैं कोई भी जी में अगर ऐसा लेता हूं, दस ध्यान दीजिएगा, फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट, इसको बोलेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट राइट हाफ ओपन इंटरवल जो पी टू कंटेन करे और जी में ही हो, तो अगर ऐसा हो गया तो आप ही बताइए फिर जी किस टाइप का बिहेव कर रहा है, जी एस में होने लायक बिहेव कर रहा है या नहीं, जी एस वाली टोपोलॉजी जो थी लोअर लिमिट टोपोलॉजी उसमें अगर कोई ओपन सेट लेंगे तो उसके हर एक के लिए राइट हाफ ओपन इंटरवल होना चाहिए या नहीं, यस सर, अच्छा बच्चों जी कहाँ था शुरू में, यू में, जी आपने क्या लिखा, लास्ट से नीचे से देखिए तीसरी लाइन है, जी यू ओपन सेट लिखा है, यस सर, आप कह रहे हैं कि जी जो था वो यू में था और आपने साबित कर दिया कि जी एस में है, इसका मतलब जो भी ओपन सेट यू में होगा वो एस में होगा, तो यू इज अ सबसेट ऑफ एस हुआ या नहीं, यस तो यू इज अ सबसेट ऑफ एस हो गया, तो यू बड़ा हुआ छोटा हुआ टोपोलॉजी में, कोर्सर स्मॉलर, हाँ स्मॉलर या कोर्सर हो गई, तो एस फाइनर हो गई ना, बस यस सर, आपको अगर ये क्लियर है कि किस टोपोलॉजी में किस तरह के ओपन सेट लिए जाते हैं तो दो लाइन का काम, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि वही सारी चीजें घूम फिर के आएंगी बच्चों, तो आगे अगर आपको चीजें समझनी है तो पहले फाउंडेशन पे शुरू में हर चीज सीखा करो, बाद में कुछ चीजें छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप शुरू में चीजें छोड़ के चलने की आदत है तो ये बहुत खतरनाक होगा फिर आपके लिए, तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी में ये रिलेशन है, क्या यही बात हम अपर लिमिट लोअर की जो अपर लिमिट टोपोलॉजी के लिए भी कह सकते हैं, यस सर, तो भाई उस सवाल को खुद करिएगा, जो राइट हाफ ओपन है वो लेफ्ट हाफ ले लेना है, बस आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया।
कि भाई इन सब में तो तीन टोपोलॉजी जो रियल नंबर के सेट में है इनका ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी बच्चों रियल एनालिसिस ही है, कुछ नहीं है उसमें। हर पॉइंट के लिए जो ओपन सेट की डेफिनेशन रियल में पढ़ाते हैं हम, वही तो बोल रहे हैं। पर लोअर और अपर लिमिट टोपोलॉजी बदल रही है थोड़ी, और वो फाइनाइट टोपोलॉजीज है। अगर इतना समझ में आ गया तो ये इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया, मेरे ख्याल से क्लियर ही है। तो एक छोटी सी टोपोलॉजी पे और बात करते हैं, फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो एक नाम सुना है आप लोगों ने, सियरपिनिस्ट्री, SIER, PINSTRI, सियरपिनिस्ट्री स्पेस। सियरपिनिस्ट्री आप फ्रैक्टल्स में ढूंढ सकते हैं गूगल में, एक छोटा सा स्पेस है इनके द्वारा। तो एक्स ले लीजिए आप 0 से 1, ये है आपके पास, ठीक है। इसमें एक टोपोलॉजी डिफाइन की है, तो ऑब्वियस है उसमें 0 और x तो हो गई, सॉरी 5 और x तो हो गई, और एक केवल सिंगलटन 0 ले लीजिए जैसे। ये भी टोपोलॉजी है, ये इनके नाम पर है। इस पे हम बहुत, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में और यूनिवर्सिटी चर्चा ही नहीं करती इन चीजों पे ज्यादा, तो अभी मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। इस आदमी का नाम जानिएगा, ये बहुत ही टिपिकल टाइप के एग्जाम्पल देने के लिए फेमस था, और अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत ईजी है, कि गूगल पे डालिएगा, और चाहे सियरपिनिस्ट्री स्पेस हो या सियरपिनिस्ट्री फ्रैक्टल्स हो, आपको बड़ा मजा आएगा इनके काम को देख। ठीक, एक छोटा टूल और यहाँ पर सीखते हैं बच्चों। आप एक बात बताओ, अगर मुझे आप दो टोपोलॉजी इक्वल प्रूफ करनी है, एक एक्स ट्रोमा टाउ 1 है, सेट सेम ही होगा, एंड एक्स ट्रोमा टाउ 2 आर इक्वल टोपोलॉजीज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर टाउन टोपोलॉजी कंटेन इन टाउ 2 और टाउ 2 टाउन में कंटेन होगी। हाँ, तो दोनों दिखाने पड़ेंगे, दो सेट को बराबर करना है बच्चों। तो तरीका ये चाहिए, टाउ 1 इज कंटेन्ड इन टाउ 2 एंड टाउ 2 इज कंटेन्ड इन टाउ 1, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दें तो बराबर हो जाएंगे टोपोलॉजी। ऑब्वियस है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं छोटा सा आप लोगों के लिए और दे रहा हूं, एट्स आप थोड़ा बड़ा सेट ले लेते हैं, चलिए ABCD मान लेते हैं। तो तीन आपके पास, टाउ 1 इज कंटेन्ड इन टाउ 2 इज कंटेन्ड इन टाउ 3, ऐसे 5 डिफरेंट केस बनाइए, लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजीज। डिस्टेंट होनी चाहिए, नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल डिस्टिट और इंडिस्टिट होती है वो छोड़ो, वो सबको पता होती है, नॉन टोपोलॉजीज सच दैट टाउ 1 इज कंटेन्ड इन टाउ 2, टाउ 2 इज कंटेन्ड इन टाउ 3, ऐसे 5 डिफरेंट केस बना के दिखाइएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और टोपोलॉजीज डेवलप करिए, बहुत सारी बन जाएंगी। ABCD 4 एलिमेंट है तो बहुत बन जाएंगी इस बार, तो जब ABC में ही बहुत बन गई थी तो आप ऐसा सोच सकते हैं। सर सर जब आप ये डिस्टिंक्ट बोल रहे हो तो इसका मतलब दोनों डिसजॉइंट होंगे या फिर नहीं, एक भी? एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो डिस्टिंक्ट हो गया बेटा, डिसज्वाइंट अलग नहीं चीज है। डिसज्वाइंट में इंटरसेक्शन फाई तो आ ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि फाई और एक्स तो सभी टोपोलॉजी में होते हैं ना। यस सर
दो एक ही सेट में अगर कितनी टोपोलॉजी हो जाए तो डिस्टेंट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फाइव और एट्स हर एट में होंगी बच्चों, तो इंटरसेक्शन में तो दो एलिमेंट तो आ ही जाएंगे हमेशा। जिस तरह से हम ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी या एलजेब्रा पढ़ते थे, वहां आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन आ जाता था। और यहां से आपने, सही बताऊं तो, मेरे अगले लेक्चर का हिंट भी दे दिया बाकी क्लास को। जो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो ये है कि जैसे दो टोपोलॉजी हमने ली किसी सेट में, टाउ वन और टाउ टू, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी टोपोलॉजी होगी, क्योंकि कुछ कॉमन आए ना आए, फाई और एट्स तो आ ही जाएंगे, और खाली फाई और एट्स आना भी अपने आप में टोपोलॉजी होती है। तो दो टोपोलॉजी, इसका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी है और इसका आर्बिटरी इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी है, लेकिन दो टोपोलॉजी का यूनियन मे नॉट बी ए टोपोलॉजी। तो ये अगले लेक्चर के लिए जो मुझे बताना था, बिल्कुल वैसा चल रहा है बच्चों जैसे अलजेब्रा में चलता है। वहां भी आप इसी तरह से चीजें पढ़ने के बाद, सब स्पेस पढ़ने के बाद, फिर उनका इंटरसेक्शन और यूनियन पे बात करते थे, यहां भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास 6:45 पे हम लोग जुड़ते हैं और वहां पर फिर इस पे बात होगी।